तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो और न्यू सीरीज़ के साथ गाइस यहाँ पे GTA 3 में गाइस स्वागत है। हाँ गाइस, यहाँ पे आज से हम रमने जा रहे हैं GTA 3। और यहाँ पे गाइस जो गेम की शुरुआत गाइस ऐसे हो रही है कि गाइस यहाँ पे जो क्लाउड यानी कि ये मेन बंदा अपना यहाँ पे मेन कैरेक्टर गेम का है, और क्लाउड और इसका साथी यहाँ पे दो जने से हैं, और एक साथी ने गाइस यहाँ पे इसको धोखा दे दिया। यहाँ पे गाइस ये बैंक रॉबरी कर रहे थे और इसका नाम कैटेलिना है शायद तक। यहाँ पे तीन बैंक रॉबरी कर रहे थे और कैटेलिना और दूसरा एक बंदा था उसको यहाँ से भाग गए, इसको धोखा दे के, और यहाँ पे ये पकड़ा गया है और इसका न्यूज़पेपर में फ़ोटो भी आ गया है, और इसको ले जा रहे हैं यहाँ पे लिबर्टी सिटी गाइस। यहाँ पे इन्होंने रॉबरी की थी सेकंड आइसलैंड में, और अब गाइस इनको ले जा रहे हैं लिबर्टी सिटी में। और यहाँ पे तीन बंदे यहाँ पे है, एक 8 बॉल, एक क्लाउड अपना जो मेन कैरेक्टर है वो, और एक अंकल है उसका नाम मेरे को नहीं पता। बाकी यहाँ पे जो वैन इनका पीछा कर रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ब्रिज है गाइस जिसका नाम मेरे हिसाब से कालाहान ब्रिज जैसा कुछ नाम है, यहाँ पे तीन तीन गाड़ियाँ यहाँ पे सलंग गाइस इनका जो पुलिस वैन है उसके पीछे यहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे देखो गाइस तीन, एक वैन में से शायद यहाँ पे बॉम्ब फेंकता है जिससे गाइस जो जो ब्रिज है यहाँ पे टूट जाता है। और फिर यहाँ पे देखते गए जहाँ पे आगे आगे होता है क्या। अभी गए जियो वैन है यहाँ पे आगे आ रही है, और मेरे को मेरे हिसाब से गए यहाँ पे भी कुछ होने वाला है। और यहाँ पे गए जिसने बॉम्ब फेंक दिया गए, मैंने बोला था यहाँ पे जो ब्रिज है फटता है ना टूट जाता है, और यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ियाँ थी गए उनको यहाँ पे घेर लिया है दोनों, यहाँ पे जो कार थी उन्होंने, और यहाँ से बंदे उतरे और यहाँ पे अपने को छुड़ाने के लिए नहीं आए शायद तक। नहीं गाइज, यहाँ पे मेरे हिसाब से जो अंकल है गाइज उनको छुड़ाने के लिए यहाँ पे ये लोग आते हैं। देखो गाइज यहाँ पे अंकल अभी उतरेंगे, ये रहेगा ये अंकल को गाइज यहाँ पे ये लोग छुड़ाने के लिए आए हैं, और इसका मौके का फ़ायदा उठा के गाइज जो 8 बॉल है गाइज वो भी यहाँ पे इसको मारता है, और यहाँ पे ये भी क्लाउड भी मारता है, और गाइज दोनों के दोनों यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे गाइज ये दोनों यहाँ पे भी छूट गए जो पुलिस थी उससे, और अभी बॉम्ब फटना था बाकी है दोस्तों। यहाँ पे गाइस बॉम्ब फटने की वजह से गाइस पूरा का पूरा ब्रिज जो आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा गाइस जो पूरा ब्रिज यहाँ पे ब्लास्ट हो चुका है, और आग भी लग गई है गाड़ियों में बहुत सी। और अभी गाइस यहाँ पे जो पहला मिशन है गिव मी लिबर्टी, ये मिशन है, और यहाँ पे जो अपना यानी कि जो 8 बॉल है उसके हाथ पे कुछ लग गया था गाइस, उसने बोला तुम ड्राइव करो, अपने को गाइस यहाँ पे प्रिजनर के गाइस सबसे पहले ड्रेसेस है जिससे अपने को कोई भी पहचान सकता है, इसीलिए गाइस उसने बोला सबसे पहले एक सीक्रेट लोकेशन इसको पता है वहाँ पे चलते हैं और ड्रेस चेंज करने का अपने को सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे उसका मैप तो दे दिया है और वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे गाइस जो यहाँ पे जो बता रहा है गाइस यहाँ पे लोकेशन ही अपना हाउस ही होता है शायद तक। यहाँ पे गाइस अपना जो लोकेशन है वहाँ पे आ गए, और इनको ड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे गाइस एकदम टक्कर हो गई, रुक जाओ यहाँ पे मैं इसको उतारता हूँ, गाइस इनको ड्रेस चेंज करने दे। यहाँ पे गाइस ये जो गैराज है अपनी ही है, यहाँ पे अपने एक कार को पार्क कर सकते हैं। इन्होंने जो ड्रेस बदलने के लिए गाइस उसको बदल लिया है। गाइस यहाँ पे जो एड बोले वो बोल रहा है मेरे को एक इंसान को मैं जानता हूँ लूजी, उसके पास चलते हैं और इसको कुछ काम है, तो वहाँ पे इसके बिजनेस का कुछ काम करने का है, फिर कुछ जगह उसके मिलने का है, तो अपने भी इसके साथ चलते हैं। और इसका जो क्लब अपना जो हाउस है उसके पीछे की साइड पे ही है, तो फटाफट गाइस इसके साथ यहाँ पे इसका जो क्लब है यहाँ पे अपने पहुँच तो चुके हैं, और इसको मैं यहाँ पे कार को सही तरीके से लगाता हूँ, इसको साथ चलते अपने। हाँ पे गाइस यहाँ पे जो 8 बॉल तो गाइस वहाँ पे बिजनेस की बात करने का है, लेकिन जो लूजी था गाइस जो आप यहाँ पे बाहर आया और उसने बोला मेरे को थोड़ा सा काम है तुम्हारा, यहाँ पे जो मिस्टी एक गर्ल है गाइस जिसके क्लब में आती होगी उसको यहाँ पे जो क्लीनिक है वहाँ पे से लेके आने का है, तो मैं गाइस यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम है मेरे यहाँ से निकाल रहा हूँ, और जो क्लीनिक है वहाँ पे से इसको लेके आने का, और उसने बोला यहाँ पे सही तरीके से काम करोगे तो मेरे पास तुम्हारे लिए थोड़ा और काम है, तो मैं गाइस वो काम भी देखेंगे। और जो क्लीनिक है गाइस वहाँ पे तो मैं बस यहाँ पे पहुँच ही गए, देखो गाइस ये रहा क्लीनिक और ये रही मिस्टी भी यहाँ पे खड़ी है, तो मैं मिस्टी को भी गाइस यहाँ से ले चलता हूँ। चलो भाई ये रही मिस्टी, इसको बैठते हैं और क्लब पे ड्रॉप करते हैं। और यहाँ पे गाइस जो लुइजी थी गाइस यहाँ पे इसको अपने ड्रॉप कर दिया, और इतना ही काम है अपना, और पहला मिशन यहाँ पे पास हो चुका है, इतना ही। पहला मिशन तो गाइस इजी हो इजी है, और दूसरा काम देखते हैं अपने को क्या देता है। सबसे पहले कार को मैं थोड़ा यहाँ पे साइड में रखता हूँ जिससे यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। यहाँ पे गाइस अपने को एक और काम मिलेगा गाइस, यहाँ पे जो लुइजी है उसके क्लब में गाइस जो लड़कियाँ काम कर रही है उसको एक इंसान डॉकयार्ड की साइड पे गाइस यहाँ पे समझा रहा है कि गलत है वो है वैसा है, तो गाइस यहाँ पे अपने को उसको समझाना है यानी कि उसको मारना है, और इसकी जो कार है उसको लेकर आना है। बाकी यहाँ पे बैट दिया था उसने अपने को, लेकिन अपने को बैट की ज़रूरत नहीं, अपने कार से उसको उड़ा देंगे।
और यहाँ पे जो उसकी कार है गाइस, उसको अपने सबसे पहले पेंट कराना है जिससे गाइस कोई पहचान ना पाए कि वो उसकी ही कार है। और यहाँ पे जो लुइजी है उसका यानी कि लॉकअप है गाइस, वहाँ पे उसको रखना है, बस इतना ही अपना दूसरा काम है। और बाकी यहाँ पे रुक जाओ, डॉग कैट तो गाइस यहाँ पे अपने इजीली पहुँच चुके हैं। और फटाफट गाइस जो कार है ये रहा गाइस, जो इंसान वो रहा ये खड़ा है, और आ जा भाई गाइस ये यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे गाइस जो इंसान ये रहा जो अपने पीछे आ रहा है, इसको अपने गाइस कार से ही कुचल दिया, और इसकी कार ये रही। मैं कार को लेता हूँ, और जो पेंट की शॉप है गाइस वहाँ पे चलते हैं, जिसकी लोकेशन अपने को यहाँ पे भी बता रही है, तो फटाफट गाइस वहाँ पे से पेंट कराते हैं। गाइस यहाँ पे जो पेंट की शॉप थी वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और अपनी कार को यहाँ पे पेंट कराने के लिए अंदर रख देते हैं। और यहाँ पे गाइस $1,000 गाइस पेंट कराने के होंगे। वैसे गाइस अपने मिशन में तो मिशन का जितना भी खर्चा जो अपने यहाँ पे अपने को करने के लिए कहा गया है, उसका खर्चा पूरा जिसका अपने मिशन कर रहे हैं वो देगा, लेकिन अपने जब मिशन में नहीं होंगे और यहाँ पे आएंगे तो $1,000 गाइस यहाँ पे अपने को पेंट कराने का देना पड़ेगा। और वैसे गाइस उसका लोकअप यहाँ पे जो क्लिनिक है उसको उसके ओपोजिट डायरेक्शन में गाइस यहाँ पे अपने को दिखा रहा है। और यहाँ पे गाइस इसका जो टायर से गाइस मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे घिस चुका है, इसके लिए गाइस इसके स्टेयरिंग थोड़ा यहाँ पे हार्ड हो रहा है। और मैं फटाफट गाइस ये रहा इसका लोकअप, तो यहाँ पे मैं इसकी कार को यहाँ पे पार्क करते और अपना इतना ही काम था और मैं उतर जाते हैं। और यहाँ पे गाइस जो अपना काम था वो यहाँ पे हो चुका है, और फटाफट लुइजी के पास चलते और देखते हैं अपने लिए और क्या काम है। और ये कार को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे गाइस अपने को एक और काम गया दिया है गाइस ड्राइव का, यहाँ पे जो मिस्टी है गाइस, यहाँ पे जो डॉन है गाइस, उसका जो सन है जॉय, उसका गैराज है गाइस यहाँ पे, जो डोकैड है उसके आगे की तरफ ही गाइस वहाँ पे है। तो उसको यहाँ पे जो मिस्टी है उसकी गर्लफ्रेंड है गाइस, जो जॉय है उसकी शायद ऐसा ही है कुछ। और बाकी यहाँ पे जो आगे का जो बोनेट है गाइस, यहाँ पे मेरे से ठुक गई थी तो वहाँ पे ख़राब हुआ। बाकी मिस्टी अपने को यहाँ पे मिलेगी हेवन हाइट्स साइड पे, तो मैं यहाँ पे हॉर्न देता हूँ जिससे ये आएगी, और इसको गाइस अपने को सही सलामत ले जाने का। वैसे कुछ होगा तो नहीं रास्ते में मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी गाइस सही तरीके से ड्राइव करने के लिए अपने को बोला गया है। यहाँ पे गाइस जो जॉयज है ऑटो पेंटिंग, और यहाँ पे इंश्योरेंस रिपेयर की गाइस इसकी यानी गैराज है, मैं यहाँ पे इसको मिस्टी को ड्रॉप करता हूँ। और यहाँ पे गाइस जो मिशन था वो तो अपना पास हो चुका है, और गाइस जॉय से थोड़ी बहुत अपनी ने बात करी तो उसने बोला गाइस यहाँ पे वो भी अपने को काम देगा। थोड़ी देर के बाद अपने मिले उससे आके, तो उससे गाइस थोड़ी देर के बाद मिलते, और जो अपना लुची था उसने भी बोला था उससे काम के बारे में बात कर लेना, तो मैंने की, तो गाइस उसने बोला हाँ है लेकिन थोड़ी देर के बाद आओ। और अपना जो लुइजी है उसके पास ही मैं डायरेक्टली चलता हूँ। और यहाँ पे गए जब मैं बाहर आया तो अपनी कार कहाँ पे गई, और कार को बाद में ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले गए जिसने अपने को एक बहुत ज़रूरी काम दे दिया, मैं ये वाली कार को ले लेता हूँ। यहाँ पे गई जो लुइजी है उसके बैकयार्ड में अमुक लोग यहाँ पे यानी दो बंदे ये शायद थे गई, वो यहाँ पे आके गलत हरकत कर रहे हैं, और उनको गई यहाँ पे सबक सिखाने के लिए कहा गया। और उसने बोला जो एम्यूनेशन है गई उसके सामने के जो रोड है वहाँ पे अपने को मिल सकेंगे। गई ये रहा एम्यूनेशन, इसके सामने का रोड ये रहा, बाकी इनकी लोकेशन भी अपने को बता रही है, और वो इस रोड पर आ रहे हैं। रुक जाओ यहाँ पर ये रोड पर गई वो लोग आ रहे थे, तो अपनी जो कार है इसको मैं यहाँ से लेता हूँ गई यहाँ पर नहीं है दूसरे रोड पे गाइस, और उनको गाइस यहाँ पे अपने को मारने का है जिससे गाइस इसका बदला पूरा हो जाएगा जो लुइजी है उसका। बाकी यहाँ पे कहाँ पे जा रहे गाइस ये तो अपने को बहुत भगा रहे हैं, लेकिन गाइस इनको कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द यहाँ पे इनको दो बंदे ही होंगे कि तीन चार है, मेरे को पता नहीं है, मेरे हिसाब से दो ही है। और ये रही गाइस इनकी कार, इनको गाइस यहाँ पे एकदम टक्कर दी गाइस अपने, यहाँ पे दो इंसान है और अपने अकेले, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो जाएगी, लेकिन गाइज अपने से हारने वाले नहीं है। ये रहे गाइज यहाँ पे अपने पीछे आ रहे हैं शायद तक हो रहे हैं, और गन से गाइज इनके पास, भैया तू तो गया मेरे हाथ से, वो गाड़ी 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 निकलो भाई, यहाँ पे से निकलो गाइज, कार में आग लग गई है, कार में आग लग गई, ओ शिट गाइज यहाँ पे गाइज वो कार से अपने को उड़ा रहा है। रुक जाओ यहाँ पे कोई एक कार मिल जाते थे फिर मैं इसको मजा चखाऊँ, कहाँ पे गया, आ जा भाई निकल। और यहाँ पे गाइस एक ही गोली में मर गया, बाकी गन बहुत तेज़ थी, और ये इनकी कार अपने ही ले चल। और यहाँ पे गाइस अपने वो जो लुइजी है उसको पहले तो लुइजी को काम सौंपा गया था, तो गाइस यहाँ पे जो यहाँ के जो ऑफिसर्स है गाइस उनकी पार्टी चल रही है गाइस, जो ओल्ड स्कूल है कालान ब्रिज के बस वहाँ पे उनकी पार्टी चल रही है, तो गाइस उसके लिए लुइजी को काम सौंपा गया था गाइस, जो पूरे शहर में से डांसर्स उसने जमा करे हैं और यहाँ पे स्ट्रीट पे खड़े हुए हैं, तो जितने भी गर्ल्स है गाइस उनको अपने पुलिस डिपार्टमेंट का
है वहाँ पे इनको ड्रॉप करने का है। तो मैं फटाफट गई जो यहाँ पे कालाहान ब्रिज और यहाँ पे ओल्ड स्कूल के पास है, तो मैं फटाफट गई इनको जो डिपार्टमेंट है पुलिस यहाँ पे इसको ड्रॉप करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे 2 सीटर कार है गाइस, मैं 4 सीटर कार को ले लूँगा, तो गाइस ज़्यादा गर्ल यहाँ पे अपने को छोड़ सकेंगे। और बाकी यहाँ पे अपने पास ये टाइमर है, इसलिए गाइस अपने को ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्ल होगी उसको यहाँ पे ड्रॉप करना है। बाकी यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ पुलिस की कार को गाइस यहाँ पे लॉक है दे नहीं, मैं फटाफट गाइस यही कार को लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइस पुलिस की कार है और ऊपर से यहाँ पे अपने को गाइस यहाँ पे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आ जाएगी। मैं फटाफट गाइस इनको पूरे शहर में से लेके आ जाऊँ। यहाँ पे गाइस देखो अपने पास 34 33 गाइस सेकेंड बचे, और गाइस यहाँ पे एक ही गर्ल को लाने का बाकी है, और ये इसको भी अपने यहाँ पे इजीली ले जाने वाले। रुक जा बस को हटने दो, हट जाओ, चलो इसको भी अपने बिठाते। और गाइस जो पुलिस स्टेशन गए नहीं समझ लो पुलिस डिपार्टमेंट, वहाँ पर लास्ट गर्ल यहाँ पर ये वाली है, तो इसको पहुँचाने का। मैं फटाफट गाइस यहाँ पर ये रहा, इसको भी गाइस यहाँ पे अपने ड्रॉप कर दिया है, और अपना पूरा का काम जो था वो हो चुका है। यहाँ पे गाइस बोनस भी अपने को मिला, $2,000 का बोनस, और यहाँ पे 4,000 नहीं 6,000 का अपने को ये मिल गया। बाकी यहाँ पे ये कार है पुलिस की, लेकिन गाइस मैं पुलिस की कार नहीं लेने जाता हूँ, ये वाली जो कार है इसको ले लेते हैं गाइस, जो अपने साइड में खड़ी है इसको लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो लूजी है उसका मिशन यानी कि बच चुके हैं सब, तो मैं गाइस यहाँ पे जो अपना जो है उसके पास चलते हैं। हाँ पे गाइस जो जो हैगा गाइस उसका पैसा जो फॉरेली ब्रदर्स है गाइस उन्होंने बहुत टाइम से नहीं चुकाया है, और जॉय को गाइस वो ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है गाइस फॉरेली ब्रदर मार्कोस बिस्ट्रो नाम का जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे आए हैं, तो उनसे बदला लेने के लिए गाइस जॉय ने एक मिशन यानी कि अपने को दिया है कि गाइस जो उसकी कार है उसको अपने को लेके जाना है एड बॉल के पास। एड बॉल गाइस उसमें बॉम्ब फिट कर देगा, और अपने को फिर से गाइस जो कार है उसको यहाँ पर लेके आना है, और इसको जैसी थी वैसी रख देना है, और जिससे गाइस यहाँ पर जो फॉरेली ब्रदर्स बैठेगा उसमें तो यहाँ पर वो फट जाने वाला है। बाकी यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपने आ गए, और ये ही है उसकी कार, तो मैं उतरता हूँ यहाँ पे से, और ये कार को लेके जाना है अपने एड बॉल के पास। और एड बॉल गाइस यहाँ पे अपने को उसकी लोकेशन तो बता रही है, और संभल के ले जाना है, क्योंकि गाइस जरा भी इनको मालूम पड़ गई कि गाइस यहाँ से कार थोड़ी बहुत भी हिली हुई है, तो गाइस ये यहाँ पर बैठेंगे नहीं और अपना मिशन फेल हो जाने वाला है। तो फटाफट गाइस जो एड बॉल है वहाँ पर उसकी शॉप पर चलता हूँ, और यहाँ पर गाइस ये रहा एड बॉल जो हैगा गाइस ऑटो यार्ड, यहाँ पे ये रहा इसकी शॉप में बोल रहा है गाइस यहाँ पे गैराज जैसा या ऑटो यार्ड है गाइस, ये इसमें बॉम्ब फिट करने के लिए बस अपने को गाइस जो कार है उसको मैं यहाँ पे अंदर यहाँ पे रख देता हूँ, और वो अपना जो काम है वो कर लेगा। और यहाँ पे इतनी जल्दी गाइस यहाँ पे इसने बॉम्ब भी फिट कर दिया, और फटाफट गाइस जो मार्कोस बिस्ट्रो नाम का जो है रेस्टोरेंट वहाँ पे बस जैसी कार थी वैसी अपने को ड्रॉप कर देगी यानी कि रख देने के, मैं फटाफट गाइस ये काम को कर देता हूँ। यहाँ पे गाइस जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे अपने आ चुके, और फटाफट गाइस जो कार पार्क करने के उसको मैं यहाँ पर करता हूँ, और यहाँ पे अपने को बॉम्ब यहाँ पे रुक जाओ, फटाफट गाइस बॉम्ब तो एक्टिवेट ही नहीं करा मैंने, गाइस बॉम्ब को एक्टिवेट यहाँ पे कर देते हैं, और फटाफट गाइस अपनी जो कार है ये वाली इसको लेके यहाँ से निकल चलते हैं। और टाइम तो गाइस अपने को दिया था 6 मिनट का, लेकिन हटते टाइम में अपने ने इसको कर दिया, और हट जाओ यार बीच में आ गए, और यहाँ पे वो आ गया गाइस जो फॉरेली ब्रदर है वो, और यहाँ पे गाइस जो फॉरेली ब्रदर कार में बैठा, और बूम गाइस जो कार थी वो यहाँ पे फट चुकी है, और अपना जो मिशन था गाइस वो यहाँ पे पास हो चुका है। और जोई के पास फिर से चलते हैं, और देखते गाइस वो अपने को क्या काम देता है। यहाँ पे गाइस जो जोई था उससे अभी हमने बात करी, तो गाइस यहाँ पे बोल रहा है गाइस ये कहेगा चंकीली चोंग नाम का गाइस एक बंदा है जो कोलंबियन जो गैंग है गई गाइस उसको यहाँ पे शायद कोलंबियन गैंग ही बोला गाइस उसको, यहाँ पे जो बंदे जो सप्लायर करता है गाइस वो जो चंकीली चोंग, और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल होती है, और उसका जो नूडल्स का स्टॉल है गाइस जो चाइना टाउन है एरिया वहाँ पर इसका नूडल्स का स्टॉल है। और अपने को गाइस फटाफट गाइस देखो यहाँ पे चंकीली चौक इस जगह पे है यानी कि चाइना टाउन, ये रहा यहाँ पे ये रहा गाइस इसका नूडल्स का स्टॉल अपने को इस साइड पे दिख रहा होगा, मैं फटाफट गाइस इसको मारने का अपने को, तो गन को बाहर निकाल लेते हैं। और ये रहा गाइस इसका नूडल्स का स्टॉल, ये रहा जो इंसान होता है गाइस वो ये है, और फटाफट गाइस इसको अपने को मारने का, और यहाँ पर बंदे भी है लेकिन मैं फटाफट उसको ही मारने की कोशिश करता हूँ। रुक जा बेटा रुक जा निकल, और यहाँ पे गाइस इजीली जो मिशन था वो पास हो चुका है, बाकी ये लोग अपने पीछे मारने आ रहे, तो इनको गाइस छोड़ते हैं और अपने चलते हैं जॉय के पास। यहाँ पे गाइस उसने जो हैगा गाइस जॉय उसने अपने को एक और काम दिया गाइस, यहाँ पे एक वैन हैगी गाइस जिसमें गाइस जो हर रोज़ चाइना टाउन में आती जाती रहती है, और पैसा जो है पैसा
उसका यहाँ पे उनको सप्लायर करती है, तो वो वैन जो है उसको अपने को यहाँ पे डैमेज देना है, जिससे गाइज यहाँ पे उसने बोला है कि अपने गोली मारेंगे तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला है, अपने को डैमेज देना है, जिससे गाइज यहाँ पे जो सिक्योरिटी है गाइज यहाँ पे वैन को छोड़ के भाग जाए, और ये वैन को गाइज यहाँ पे मैं सबसे पहले डैमेज देता हूँ, और गाइज देखो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, और बाकी यहाँ पे जो वैन अपने पास आएगी तो इसको गाइज जो जो है उसका डोकैट पे एक लोको पे वहाँ पे इसको रख देना है, और वहाँ पे से गाइज जो जॉय के बंदे ले जाएंगे, बस अपना इतना ही काम है, तो मैं इसको डैमेज देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी पुलिस केस भी होगा तो पुलिस वालों को भी गाइज अपने निपट लेंगे। रुक जा भाई, ये तू तो गाइज यहाँ पे जो वैन है गाइज इसको पूरा फुल डैमेज अपने ने इसी जगह पे दे दिया है, और मैं इसको आगे जाने ही नहीं देना भाई। यहाँ पे गाड़ी जो इसका हाल देख लो गाइज पूरा यहाँ पर ख़राब हो चुका है, वो रुक जा भाई तू तो गाइज यहाँ पे गाड़ी तो गई। और बाकी यहाँ पे डैमेज तो गाइस फुल ये गाड़ी को दे रहा हूँ, और रुक जा पलटी मत खाइए भाई, यहाँ पे अपने को इसके जितने पैसे को ले चलने का है, और पुलिस की कार भी गाइस यहाँ पे इसको ही डैमेज दे रही है, इनको चलाते नहीं आती होगी मेरे हिसाब से, बाकी फुल डैमेज तो अपने ने इसी थोड़े से ही टाइम में यहाँ पे इनको इसको कर दिया है, बाकी रुक जाऊँ कहीं रुक जाओ गाइस यहाँ पे अपनी कार फटने वाली, अपने निकल जाओ यहाँ से जो भी हो। ओ एम्बुलेंस गाइस, ये एम्बुलेंस बचाना है कि मारना है ये हमको, मैं एम्बुलेंस ही लेके निकलता हूँ भाई, अपने पास अभी कोई ज़्यादा है कोई व्हीकल मिलने की संभावना नहीं है, वैसे भी पुलिस केस तो अपने ऊपर हो ही चुका है, तो गाइस यहाँ पे अपना फटाफट गाइस वो रही वैन को एक दो टक्कर में मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे अपना काम हो जाने वाला होगा, और यहाँ पे ये रही ये गई, और यहाँ पे गाइस फूल तो दे दिया गाइस एक ही, बस यहाँ पे एक ही टक्कर देने की है जो अपने इजीली दे देंगे, और जो गाइस जो गार्ड थे गाइस वो घबरा गए सिक्योरिटी गार्ड, और फटाफट गाइस वैन को उठा लो और चलो गाइस डायरेक्ट, जो डॉकयार्ड अपने यहाँ पे से दूर भी नहीं है, और पुलिस वाला गाइस यहाँ पे अपने को कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और डॉकयार्ड मेरे हिसाब से नज़दीक में ही देखो गाइस, डॉकयार्ड अपने पास ही सही जगह पर अपने इसको डैमेज करा था, और यहाँ पे गाइस ये रहा इसका लोकअप गाइस, पुलिस वाले भी यहाँ पे आ गए, फटाफट गाइस डोर खोलो भाई यहाँ पे लोकअप का, अपना काम यहाँ पे हो चुका है, और पुलिस भी हट जानी चाहिए, और पुलिस भी गाइस यहाँ पे मिशन पास होते के साथ ही हट चुकी है, और यहाँ पे ये ही एक कार है तो मैं इसको लेकर चलता हूँ जॉय के पास, और यहाँ पे गाइस अपने ऊपर एक और केस हो गया, और गाइस अपने को एक जने का यहाँ पे ईएल बुरो नाम का एक इंसान है, उसका यहाँ पे अपने को मैसेज आया कि गाइस यहाँ पे उसको काम अपने से, तो गाइस हेवन हाइट्स नाम की जो जगह है वहाँ पे इससे मिलना है, तो अपने को फ़ोन पे यानी कि बताया गया, तो पहले मैं इसका काम करूँगा गाइज, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ गाइज जो फ़ोन वाला अर्जेंट कॉल हो सकता है, इसलिए गाइज मैं यहाँ पे जो कॉल वाला है वहीं पे चलता हूँ, जॉय का काम मैं बाद में करता हूँ, और सोच रहा हूँ गाइज मैं यहाँ पे जो जॉय है उसका जितना काम है उसको यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद जो कॉल वाला है उसको करेंगे, तो मैं फटाफट गाइज यहाँ पे जॉय का ही काम करता हूँ, और यहाँ पे गाइज अभी क्या हुआ है गाइज, यहाँ पे जो जॉय था उसने अपने को टोनी किप्रियानी से मिलाया है, और जिसका गाइज अपने को थोड़े यहाँ पे टाइम के लिए अपने को ड्राइवर बनना है, और इसको गाइज यहाँ पे जो इसका मम्मा का रेस्टोरेंट है गाइज जो हैगा किप्रियानी रेस्टोरेंट नाम है उसका जो हैगा सेट मार्क्स में, और इसको गाइज अपने को ले जाने का अभी चाइना टाउन में, क्योंकि गाइज इसने बोला कि मेरे को वहाँ पे बिजनेस की कुछ बात करनी है, तो पहले इसको चाइना टाउन का जो लॉन्ड्री है वहाँ पर चलते, लॉन्ड्री की शॉप है वहाँ पर इसको, जो कार है गाइज ये ज़बरदस्त मेरे हिसाब से, स्पीड भी अच्छी है और कंट्रोल भी अच्छा है, और बाकी ये रहा जो इसको यहाँ पर अपने देखते हैं, और यहाँ पर भाई ये बोल रहा है कि इंजिन को चालू रखना कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो देखते हैं अपने आगे आगे होता है क्या, और यहाँ पे गाइस जो फायरिंग होती है गाइस यहाँ पे गोलीबारी होना शुरू हो गई, तो गाइस मैं यहाँ पे इसको स्पीड में यहाँ से लेके निकल जाता हूँ भाई इसका जो मम्मा है इसके रेस्टोरेंट पे, और ट्राइड्स वाले यानी कि से गाइस ये लोग ट्राइड्स वाले इनसे कुछ इसकी मैटर चलती रहती होगी शायद ऐसा ही कुछ है, तो फटाफट गाइस इसको जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर ड्रॉप करने का है, तो मैं इसको वहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे गाइस जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे अपने आ तो चुका है इसको लेकर, बस इतना ही अपना काम था, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया बस, और गाइस जो मिशन था वो भी पास हो चुका है, और गाइस ये अभी मैं सोच रहा हूँ गाइस जो जो है उसका थोड़ा दूर है, और इसने भी बोला है कि मेरे से भी मेरे को भी तुम्हारे से काम है, और बाकी ये एम्यूनेशन वाले का जो मैसेज आ रहा है तो उसको छोड़ता हूँ, और गाइस जो जो है उसकी वर्कशॉप मेरे से दूर है, और जो कॉल आ रहा है तो गाइस उसको मेरे को लगता है अर्जेंट काम हो सकता है, तो मैं गाइस जो पे फोन है वहीं पे हेवन हाइट्स में चलता हूँ, और यहाँ पे गाइस सिंपली गाइस यहाँ पे अपने को एक रेस करने की गाइस जो हैगा गाइस ईएल ब्यूरो यहाँ पे डीओ ब्लॉक से गाइस हैगा गाइस उसने अपने को फ़ोन करके बताया गाइस यहाँ पे अपने थोड़े
यहाँ पे जो स्ट्रीट रेस होती है गाइस यहाँ पे होती है ओल्ड स्कूल से गाइस, यहाँ पे कालान ब्रिज पास जो है वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे स्ट्रीट रेस में जो पहला नंबर आएगा उसको गाइस यहाँ पे बिग प्राइज मिलने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने भी रेस में हिस्सा लेके देखते हैं और वहाँ पे देखते हैं कौन सी कार है। वैसे मेरे हिसाब से गाइस ये कार की भी स्पीड ज़्यादा ही है और ये चल ही जाएगी मेरे हिसाब से, तो मैं यही कार से रेस लगाने की कोशिश करता हूँ। और बाकी यहाँ पे तीन चार कार खड़ी हुई है और यहाँ पे गाइस कार देखो गाइस फुल स्पोर्ट कार यहाँ पे लग रही है, लेकिन अपने को उससे क्या लेना देना। और यहाँ पे काउंट डाउन शुरू हो गया, वन गो। यहाँ पे अपने निकलते तो इनको मैं थोड़ा आगे जाने देता हूँ, कुछ जाऊँ यहाँ पे आगे क्यों जाने दो इनको गाइस, अपने फर्स्ट आ गए हैं ये सिंपल गाइस, यहाँ पे सीधे सीधे अपने फर्स्ट आ चुके हैं। और रुक जाओ यहाँ पे अपना टर्न है और यहाँ पे ड्रिफ्टिंग के साथ यहाँ पे अपने टर्न मारा और एकदम स्पीड में आगे आगे चलते जाते हैं। यहाँ पे गाइस रॉन्ग वे में अपने यहाँ पे जैसे जाने की रेस ही देखो गाइस पूरा रॉन्ग वे गाइस, यहाँ पे सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है उनसे बचना पड़ेगा अपने को, नहीं तो गाइस अपने फर्स्ट है फोर्थ फर्स्ट से फोर्थ नंबर पे हो जाएंगे। और ये रहा यहाँ पे अपने चलते हैं रेस करते हैं। और यहाँ पे गाइस जो रेस थी गाइस उसमें अपने अभी तक फर्स्ट ही है गाइस, सेकंड आने का कोई सवाल ही नहीं था। बाकी जो रेस है यहाँ पे मेरे हिसाब से ख़त्म होने को आई है और अभी तक अपने फर्स्ट है। और देखते गाइस अपने को बिग प्राइज में क्या चीज़ मिलती है। और बाकी यहाँ पे अपने जीत गए गाइस यहाँ पे वन, अच्छा गाइस यहाँ पे $10,000 यहाँ पे मिले हैं और मेरे हिसाब से गाइस 158 यहाँ पे सेकंड में अपनों ने इसको कंप्लीट करा है। और मैं सोच रहा हूँ गाइस यहाँ पे एक और फिर जो फ़ोन कॉल है उसके पास ही चलते और देखते वो अपने को एक और काम क्या देता है। यहाँ पे गाइस अपने को एक मिशन मिला गाइस जो है ईएल बुरो गाइस उसका, गाइस उसका पहले इसने बोला है मेरे को मेरा एक बिजनेस था गाइस लेदर पेंट्स का, उसमें जो स्टारिंग यानी कि जो स्टार मेंबर थे गाइस उनको क्या मालूम कट के पैसे नहीं दे रहा था उसके यहाँ पे उसने निकाल दी जिसका नाम अमीगो है। और अमीगो के गाइस जो फेवरेट चीज़ है वो आइसक्रीम है। तो यहाँ पे से उसने बोला सबसे पहले यहाँ पे ये बॉम्ब है तो इस बॉम्ब को यहाँ पे से अपने को सबसे पहले उठाने का है और इसको मैं ले जाऊँ। और यहाँ पे से जो कोई भी यहाँ पे जो रेगुलर कोई भी आइसक्रीम वैन अपने को दिखेगी गाइस उसको अपने उसको कुछ भी नहीं करना, बस उसके आइसक्रीम वैन की अपने को ज़रूरत है। इसीलिए गाइस कोई भी आइसक्रीम वैन अपने को यहाँ से ले चलने के हैं। और उसका जो वेरा हाउस है यहाँ पे अपने को जो उसकी बेल होती है गाइस वो चालू रखनी है और वेरा हाउस का एटलांटिक जो ही नाम है उसका कुछ वहाँ पे ले जाने के हैं और वहाँ पे शायद तक अपने को मिल सकता है। तो वहाँ पे उसको मारने का या ब्लास्ट करने का मेरे हिसाब से गाइस मारने का है, वैसा इसकी वैसा ही है। तो गाइस यहाँ पे अपने को आइसक्रीम वैन की लोकेशन इस जगह पे बता रही है और बेचारा इसके आइसक्रीम वैन अपने को गाइस खाली थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इसकी आइसक्रीम वैन को ले चलता हूँ। ये रहा गाइस इस जगह पे देखो लोकेशन, यहाँ पे इसका वेयर हाउस है और यहाँ पे अपने को आइसक्रीम रखने की जो वैन है उसको रखना है और इसी जगह पे अपने को वो मिल जाएगा अमीगो नाम का जो इंसान है वो। और यहाँ पे गाइस देखो जो अमीगो है गाइस वो यहाँ पे आ गया है और मेरे को गाइस मैं इसको सीधे सीधे यहाँ पे मारने की कोशिश करता हूँ। और कौन सा अमीगो है भाई, यहाँ पे गाइस सबको मैंने कुचल दिया है, अब इसमें से अमीगो कौन है मेरे को नहीं पता, लेकिन अपने उतर के कोई को भी नहीं मारने वाला है, सबको ऐसे ही यहाँ पे अपने टपका देने वाले। और मिशन जो था वो अपना पास हो चुका है और अपने फिर से फ़ोन कॉल जा रहे हैं वहाँ पे चलते और देखते हैं वहाँ पे अपने को एक और क्या काम देता है। बाकी वैन को मैं ले ही चलता हूँ और यहाँ पे आग लग गई गाइस, यहाँ पे जो वैन थी इसमें आग लग गई तो इसको छोड़ते और दूसरी गाड़ी में वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे गाइस मैं जोय के नज़दीक था तो मैंने सोचा जोय से यहाँ पे अपने देख लेते हैं अपने को क्या काम देता है। और यहाँ पे गाइस जो जोय है उसने अपने को एक काम दिया गाइस, जो कालाहान पॉइंट के पास जो रेस्टोरेंट है गाइस वहाँ पे से एक कार यहाँ पे अपने को लेके जाना है जो क्रशर यानी कि कबाड़ खाना समझ लो गाइस वहाँ पे अपने को ले जाने की है। और उसमें शायद तक क्या चीज़ें मेरे को पता नहीं है, लेकिन देखते गाइस यहाँ पे वो कार अपने को वहाँ पे मिलेगी। तो मैं फटाफट गाइस इसको यहाँ पे से स्टंट करा देते थोड़ा बहुत और मैं यहाँ पे ये रहा इसका रास्ता जाने का कालाहान पॉइंट पे, पॉइंट तो गाइस यहाँ पे ही है बाकी यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है अपने को यहाँ पे जाने का है। तो ये रहा रेस्टोरेंट, यहाँ पे ये रही कार इसको अपने को ले चलने का है और मैं उतरता हूँ यहाँ से और फटाफट गाइस इसको कबाड़ खाने पर ले चलने का है। तो वहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे गाइस फोरेली ब्रदर है और भाई यहाँ पे फोरेली ब्रदर है गाइस, यहाँ पे फोरेली ब्रदर आ गए और गाइस देखिए मेरे से गाइस यहाँ पे खून निकल रहा है गाइस यहाँ पे। और फटाफट गाइस मैं इसको ले चल रहा हूँ, बाकी यहाँ पे अंदर लाश होएगी क्या मेरे को पक्का पता नहीं है, फिर भी इसको फटाफट ले चलते हैं जगह पे गाइस यहाँ पे अपने आ चुके हैं। और मैं फटाफट गाइस यहाँ पे जो हारूट के पास देखो कबाड़ खाना है क्रशर ये रहा और भाई गाइस ये है कौन मेरे को नहीं पता,
खाली खाली में यहाँ पे चक्कर काट रहे थे भाई। ओ रुक जाओ भाई, यहाँ पे दो दो गाड़ी आ गए अपने, फटाफट इनको ले। मैं तो भाई इनको देखो भाई, यहाँ पे लास्ट अपने को दिख गई, मेरे को लगा कि यहाँ पे एक गाड़ी है तो अपने सेन कर लेंगे इनको, लेकिन यहाँ पे दो दो फटाफट यहाँ से उतरता हूँ और अपने भाई निकल जाते हैं यहाँ पे इस कार में भाई, जो होना होगा वो देखते हैं यहाँ से। और कार को गाइस यहाँ पे उठा लिया गया है और मेरे हिसाब से जो क्रशर है वहाँ पे नाखते फटाफट यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे गाइस मिशन अपना पास हो चुका है, बाकी यहाँ पे जो बंदे थे अपने को मार रहे थे तो मैं यहाँ पे आ गया और फ़ोन कॉल के वहाँ पे चलते और देखते हैं क्या अपने को काम देता है। यहाँ पे गाइस जो अपनी कार थी वो कहाँ पे गई मेरे को नहीं पता, लेकिन गाइस जो ईएल बुरो नाम का इंसान है गाइस वो बोल रहा है गाइस उसकी जो कार है उसको गाइस लास्ट नाइट पर जो ट्राइड्स वाले थे उन्होंने बेच दिया है यहाँ पर। उससे गाइस वो बहुत ही नाराज़ है और उसमें गाइस थोड़ा बहुत जो कीमती सामान बोलते गाइस उसका वो भी था, जिससे वो बहुत ही गुस्से हुआ है गाइस। जो ट्राइड्स वाले उनके ऊपर बहुत ही गुस्सा हुआ है और उसने अपने को एक काम सौंपा है गाइस, जितने ट्राइड्स वाले 25 मेरे हिसाब से इनको मारना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे उसने बोला उनको जला के मारने का है। और इसके लिए गाइस यहाँ पे अपने को एक वेपन उसने बोला छुपा के चाइना टाउन में छुपा के रखी हुई है, और ये रहा गाइस यहाँ पे जो वेपन की लोकेशन अपने को इस जगह पे बता रही है। मैं फटाफट गाइस यहाँ पे चलता हूँ और ये रही गाइस यहाँ पे वेपन, इसको मैं लेता हूँ और जो ट्राइड्स वाले बंदे हैं उसको अपने को मारने का है। मैं फटाफट गाइस उनको मारने के लिए निकलता हूँ। ये रहे गाइस यहाँ पे एक एक दो दो अपने को मिलते जाएंगे, बाकी चाइना टाउन में ज़्यादा अपने को दिखेंगे। निकलो गाइस यहाँ पे इनको, कोई को गाइस यहाँ पर अच्छा गाइस वो जला है यहाँ पे एक, और यहाँ पे तू भी जा बेटा निकल, इसको भी गाइस अपने मार दे गाइस, बस खाली एक ही फ्लो देने के अपने, जिससे ये लोग मर जाने वाले हैं। निकलो निकलो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे ये लोग मरते जाएंगे, बस अपने को कुछ भी नहीं करने का है, बस खाली अपने को देखना अपने ऊपर आग ना आ जाए और पूरे चाइना टाउन में अपने को इजीली मिल जाएंगे शायद तक तो। और यहाँ पे गाइस 10 जीतने को अपने को मारने का है और बाकी को अपने मार दिया, बाकी यहाँ पे एक ही मिनट का टाइम और फटाफट गाइस जिनको मैं मारने की कोशिश करता हूँ मर जाओ यार स्पीड में यार। यहाँ पे अपने को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, निकलो फटाफट निकल, एक तो गया है वहाँ पे और अपने को नहीं चलना ही, नहीं तो अपने को थोड़ी अपने भी मर सकते आग के वजह से। और बाकी यहाँ पर अपने को और तो नहीं दिख रहा, बाकी फायर ब्रिगेड को मैं गाड़ी लेता हूँ और आगे चलता हूँ। पांच इंसान ये रह गए जहाँ पे, तीन तो अपने को इजीली मिल गए, निकलो दो यहाँ पे अपने को मिल गए, एक और यहाँ पे था, निकल भाई निकल एकदम, रुक जाओ भाई जहाँ पे 20 जितने सेकंड बाकी है और दो इंसान को अपने को मारना है और दो इंसान मिल जाए यार कहीं ना कहीं से, तो आ जाओ कार को लो फटाफट, मैं जाता हूँ डायरेक्ट चाइना टाउन में गए अपने को मिल सकते। और ये रह गए दो इंसान, रुक जाओ रुक जाओ फटाफट निकलो निकलो निकलो, रुक जाओ निकलो, एक बचाएगा एक और मिशन गए जो पास हो चुका है यहाँ पे अपना। और मैं गए यहाँ पे देखता हूँ गाइस जो फ़ोन वाला अपने यहाँ पे क्या मिशन देता है, वहाँ पे चल रहे फिर से। यहाँ पे गाइस जो हैगा इसने गाइस जो ईएल बुरो नाम का इंसान, इसने कुछ पब्लिसिटी का उसने जो फोटोग्राफ प्रेस में भेजने के लिए गाइस एक वैन ड्राइवर था उसको भेजे थे, और उसने गाइस जो मेन डोर था वो खुला रख दिया था यानी कि पीछे का, जिससे गाइस पूरे के पूरे फोटोग्राफ थे गाइस पूरी लिबर्टी सिटी में गाइस यहाँ पे फैल चुके। देखो गाइस ये रहे यहाँ पे इसे फैल चुके थे गाइस, इसको अपने को कलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे कोई एक जगह वहाँ पे अपने को जो यही अपने को लोकेशन बताते जाएंगे वहाँ पे ले चलने का है। मैं फटाफट इसको कलेक्ट करता हूँ और ये जो जगह पे अपने को ले चलते हैं वहीं पे अपने को कलेक्ट करना है और वेस्ट नहीं होने देना है। लेकिन और यहाँ पे गाइस जितने एक एक दो दो आते जाएंगे वैसे वैसे अपना जो टाइम है गाइस यहाँ पे थोड़ा बढ़ता रहेगा, नहीं तो गाइस जो टाइमर है फुल यहाँ पे नीचे जाएगा। बाकी स्पीड में अपने को एक काम करना है, जितने भी कलेक्ट करने गए उसको मैं करते जाता हूँ। यहाँ पे गाइस पूरे सिटी में गाइस जिसने फोटो फैला चुके थे, बाकी यहाँ पे डॉक यार्ड पे भी थोड़े बहुत फैला गए हैं, यानी क्या मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे एंड ही होगा क्योंकि गाइस इस जगह पे डिलीवरी करने आया होगा शायद तक, मैं देखता हूँ इस जगह पे यहाँ पे है गाइस यहाँ पे पूरे जो फोटोज थे गाइस वो यहाँ पे इसने पूरी जगह पे फैला चुके, और बाकी इसको डिलीवर अपने को करना है भाई। ठीक से चलाया कर भाई, यहाँ पे कैसी गाड़ी चलाता है, यहाँ पे अपने गाड़ी भी रहने का था। और यहाँ पे भाई ये तो अपने को, ओ भाई यहाँ पे ये तो अपने को उतार के मार रहा है भाई, तू मरेगा मेरे हाथ से। नहीं कहो भाई रुक जा, यहाँ पे अपने पास हेल्थ भी नहीं और बाकी यहाँ पे अपने को मार रहा है, तो मैं इसको गोली से भून डालता हूँ। और रुक जा भाई, यहाँ पे अपने को कार में बैठने का है और मैं यानी कि जो वैन है इसको लेकर निकलता हूँ। भाई तू हट से जा यार, ये अपने को मार क्यों रहा है, मेरे हिसाब से डिलीवरी तो इसको ही देने की थी लेकिन ये अपने को मार रहा है, तो मैं इसको मार देता हूँ। यहाँ पे जो XXX मैकेनिक्स है गाइस वहाँ पे अपने को इसको जो वैन है अपने को ले जाने के, बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से गाइस ये वही इंसान है जिसके वजह से अपने को फोटो यानी कि जो फोटोग्राफ है वो उठाने के लिए पूरी सिटी में घूमना पड़ा है।
इसीलिए गाइस इसपे को अपने ने मार दिया, क्योंकि गाइस पूरी सिटी में गाइस कोई अडल्ट फोटो थे इसके शायद तक वो यहाँ पे पूरी सिटी में गाइस जिसने जो फैला दिए थे, और इसको बोला गया होगा मेरे हिसाब से कि तू वहाँ पे खड़े लेना, यहाँ पे तेरे को एक फ़ोटो लेने के लिए आएगा। और बाकी भी इसको लेने के लिए आएगा भाई, यहाँ पे तो अपने साथ हाथापाई कर रहे थे, अपने यहाँ पे इसको कैसे छोड़ेंगे। तो इसको अपने ने यहाँ पे मार दिया है। और अभी गाइस यहाँ पे जो मैकेनिक थी गाइस जो शॉप वहाँ पे छोड़ गए जिसको कुचल दिया, यही है गाइस। ये रही गाइस यहाँ पे मेरे को अंदर कार जो है इसको यहाँ पे वैन को यहाँ पे अंदर लगा देता हूँ। रुक जाओ भाई, यहाँ पे रिवर्स में अपने लगाते हैं। और मेरे हिसाब से गाइस अपना जो काम था वो हो चुका है, और यहाँ पे बस गाइस इतना ही था मेरे हिसाब से मिशन, और जितने भी कॉल वाले मिशन थे वो हो चुके हैं। और मैं थोड़ी हेल्थ बढ़ा लूँ यहाँ पे से, और जितने कॉल वाले हो गए हैं, तो मैं गाइस यहाँ पे फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ।